हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे, जब आप ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आप हॉन्चेस के बारे में सुनते हैं। मोस्टली जो आपके हॉन्चेस होते हैं, या तो वो आपको कलवर्ट में देखने को मिलेंगे, या फिर वो आपको माइनर ब्रिज में देखने को मिलेंगे, या फिर वो आपको मल्टी सेल माइनर ब्रिज में देखने को मिलेंगे। तो जो ड्रॉइंग्स में जो आपको हॉन्चेस का डिटेल दिया रहता है, उसको हमें कैसे एनालिसिस करना है ताकि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके हॉन्चेस का एग्जीक्यूशन करवा सकें, आप उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर सकें, और हॉन्चेस में जो हम बार प्रोवाइड करते हैं उसका हम BBS बना सकें। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने सेशन में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जनाब, बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो देख पा रहे होंगे आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस का प्रोजेक्ट है, जो कि आप लास्ट सेशन में भी देख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो हॉन्च होता है उसको हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जो आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज है, या फिर जो आपका बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज है, उसका सेक्शन दिया हुआ है लेंथ के अलोंग। तो उसमें आप हॉन्च को अच्छे से देख सकते हैं। प्लान में आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। क्लियर? यदि आपका जो मेन स्ट्रक्चर है उसका प्लान देखेंगे तो आपको हॉन्चेस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब आप उसका सेक्शन देखेंगे लेंथ के अलोंग, तब आपको ये हॉन्चेस दिखाई दे रहे होंगे। तो आप उसको देखिए कि किस तरह से आपको ड्रॉइंग में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये लिखा हुआ है सेक्शन VB, ये देखेंगे आपको ये क्या दिया हुआ है, सेक्शन VB दिया हुआ है। तो जो आपका ये सेक्शन VB है, ये क्या है, आपका लेंथ के अलोंग सेक्शन है। क्लियर? तो उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपको क्या दे रखा है, ये आपका बॉटम स्लैब है जिसको हम राफ्ट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बॉटम स्लैब है जिसको आप राफ्ट बोलते हैं, ये दे रखा है। ये हमारा बॉटम स्लैब है जिसको आप राफ्ट बोलते हैं, और ये आपको टॉप स्लैब दे रखा है। ये हमारा क्या दे रखा है, टॉप स्लैब दे रखा है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे ये आपकी बॉल्स दे रखी हैं, ये आपका एंड अबिटमेंट बॉल है। ये हमारी क्या है, एंड अबिटमेंट बॉल है इस तरह से। ये हमारी क्या है, एंड अबिटमेंट बॉल है। इसके बाद जो पार्ट बच रहा है वो हमारा क्या है, हॉन्च है। आप देख सकते हैं इसके बाद आपका जो भी पार्ट बचेगा वो हमारा क्या है, हॉन्च है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे ये हॉन्चेस आ रहे हैं। ये हमारा हॉन्च है, ये देखिए, ये हमारे इस तरह से हॉन्च आ रहा है। ये आपका बॉटम स्लैब और जो आपकी मिड बॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए है। ये भी आपका बॉटम स्लैब और जो आपकी मिड बॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए है, और ये आपका जो टॉप स्लैब है और जो आपकी मिड बॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी बॉटम स्लैब है और जो आपका एंड अबिटमेंट बॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये हॉन्च बनाया गया है इस तरह से। क्लियर? और ये बीच में आपकी इस तरह से बॉल्स आएंगी, ये आपकी क्या है, मिड बॉल। ये आपके मिड बॉल है। तो इस तरह से कुछ आप ये हॉन्च देख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको हॉन्च का साइज दे रखा है 600 mm by 300 mm। ये आपको हॉन्च का साइज दे रखा है कि जो आपका हॉन्च है वो कितना होगा, 600 mm by 300 mm का होगा। अब हम हॉन्च क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग सेशन में जहाँ पे हम कंपोनेंट ऑफ मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि हम हॉन्च क्यों प्रोवाइड करते हैं। हॉन्च बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बॉल्स होती हैं, जो आपकी बॉल्स हैं और जो आपकी स्लैब है उसको कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉल होती है उसका एरिया बहुत कम होता है, और जो आपकी स्लैब आ रही होती है उसकी वजह से आपका क्या होता है, पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? आप ये देखेंगे स्लैब का एरिया, ये ऑलरेडी मैं अपने पिछले सेशन से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप एक समझ सकते हैं। ये देखेंगे ये आपका क्या है, स्लैब है, और ये आपकी क्या है, बॉल है।
तो स्लैब के कंपेरिजन में जो आपका बॉल का एरिया होता है बहुत कम होता है, तो आपके पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आपका बॉल और स्लैब का जॉइंट होता है, जो भी आपकी बॉल्स हैं, भले ही वो आपकी एंड बॉल हो या फिर आपकी मिड बॉल हो, और जो स्लैब का जॉइंट है वहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हॉन्च प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये आपको सेक्शन में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये डिटेल में कैसे दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ये डिटेलिंग दे रखी है, आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखेंगे, ये बनाया हुआ है कुछ बन। अगर आपका जो टॉप स्लैब है और जो आपका एंड अबिटमेंट बॉल है उसका कनेक्शन का डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वन में मिलेगा जो कि आपको आगे दे रखा है। और जो आपकी बॉटम स्लैब है और जो आपकी एंड अबिटमेंट बॉल है उसके कनेक्शन का डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको टू दे रखा है जो कि आपको आगे दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी बॉटम स्लैब है और जो आपकी मिड बॉल्स हैं, बॉटम स्लैब और जो आपकी मिड बॉल है उसका डिटेल आपको ये दे रखा है फोर। क्लियर? उसके बाद और आप ऊपर जाएंगे तो आप ये देखेंगे जो आपका टॉप स्लैब है और जो आपकी मिड बॉल है उसका जॉइंट का डिटेल ये दे रखा है थ्री। तो ये आपको कुछ दे रखा है वन टू थ्री फोर, ये देखेंगे, ये आपको वन दे रखा है इन्होंने, ये आपको टू दे रखा है, थ्री दे रखा है और ये फोर दे रखा है। तो इसका डिटेल जब आप देखेंगे तो आपको हॉन्च का कंप्लीट एनालिसिस मिल रहा होगा। तो चलिए हम इसका डिटेल देखते हैं। ये देखेंगे आपको वन टू थ्री फोर का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ये आपको डिटेल वन दे रखा है, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, डिटेल वन, ये देख सकते हैं, ये हमें क्या दे रखा है, डिटेल वन दे रखा है। अब इस डिटेल वन में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से होन जा रहा है। ये हमारी क्या है, टॉप स्लैब है, जो डिटेल वन है वो टॉप स्लैब और आपकी एंड अबिटमेंट बॉल को कनेक्ट करने के लिए, और ये हमारा क्या है, एंड अबिटमेंट बॉल आ रहा है, ये हमारा क्या है, एंड अबिटमेंट बॉल आ रहा है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉन्च प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारा हॉन्च आ रहा है इस तरह से, ये हमारा हॉन्च बनेगा। क्लियर? ये हमारा क्या है, हॉन्च है, जो कि हमें कितने का दे रखा है, हमें हॉन्च दे रखा है आपका 600/300 का। तो इसमें ये वाला पार्ट आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो 600 हो जाएगा, ये देखेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या है, 600 है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, 300 है। क्लियर? इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 600 mm हो जाएगा। हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे हम जब एस्टिमेशन करेंगे, क्वान्टिटी निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर? ये हमारा इस तरह से ये हॉन्च आएगा, जो कि थ्रो आउट ब्रिथ आ रहा होगा, जो आपका हॉन्च आता है वो थ्रो आउट ब्रिथ ऑफ स्ट्रक्चर आता है। क्लियर? तो ये हमारा पहला हॉन्च है जो कि टॉप स्लैब और आपकी जो एंड अबिटमेंट बॉल है उसको कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका पंचिंग फेलियर ना हो। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपको डिटेल टू दे रखा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मार्क करके दिखाया था। यहाँ पे देखेंगे डिटेल टू में क्या है, जो आपका बॉटम स्लैब है और जो आपकी बॉल है उसको कनेक्ट करने के लिए हॉन्च दिया गया है। ये देखेंगे हमारी बॉटम स्लैब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं, और ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारी एंड अबिटमेंट बॉल है, तो ये इसको कनेक्ट करने के लिए हमारा हॉन्च आ रहा है। ये देखेंगे, ये हमारा हॉन्च है, तो ये भी कितना है आपको, 600/300 mm का दे रखा है, ये भी हमें कितने का दे रखा है आपको, 600/300 mm का दे रखा है। इसमें आप देखेंगे जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो हमारी कितनी है, 600 mm है, और जो ये वर्टिकल है वो कितनी है आपकी, 300 mm है, राइट। ये हमारा क्या है, 600 mm है, और ये हमारा कितना है, 300 mm। तो ये क्या है, हमारा दूसरा हॉन्च दे रखा है। क्लियर? जो कि आपका बॉटम स्लैब या फिर आप बोले राफ्ट और आपकी एंड अबिटमेंट बॉल को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिटेल थर्ड में आप क्या देखेंगे, जो आपका टॉप स्लैब है और जो आपकी मिड बॉल है उसका कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे हमारा ये टॉप स्लैब आ रहा है जो कि T1 है,
और शायद इसका थिकनेस आपको 450 दे रखा है, मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था। और ये हमारा क्या है, मिड बॉल है, ये क्या है आपकी मिड बॉल है जो कि इस तरह से आएगी, ये देखेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए आपके दोनों साइड हॉन्चेस दे रखे हैं, इस तरह से आपका कॉन्क्रीटिंग हो रहा होगा थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हॉन्च भी कितना है आपको, 600x300 mm का ये आपको हॉन्च दे रखा है, 600x300 mm का इस तरह से। जो ये वाला पार्ट है ये कितना है, 300 है, और बाकी का ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वो कितना है, 600 mm। ये भी आपका 300 mm होगा और ये आपको कितना दे रखा है, 600 mm दे रखा है, क्लियर। तो ये हमारा कितना है, 600 mm में, और ये कितना हो जाएगा, ये 300 mm, और ये हमारा 600 mm। तो ये हमारा डिटेल 3 दिया हुआ है जो कि आपका टॉप स्लैब और जो मिड वॉल का जो आपका जॉइंट है उसको बताता है, क्लियर। और यहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जब आपका जो बॉल है स्लैब से कनेक्ट होगा तो किस तरह से होगा, उसका भी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया हुआ है। ये देखिए ये आपको क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे रखा है जो कि आपको काफी जगह मिलेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन जॉइंट में आप देखेंगे इस तरह से, जब आप बॉल बनाए तो आपका इस तरह से बॉल बनेगा, आप बॉल बनाए तो इस तरह से कुछ बॉल बनाइएगा, ये हमारा, यहाँ पे देखेंगे आपको एक चीज और दे रखी है, ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट है जो कि आपको दे रखा है, क्लियर। कि जो हमारा बॉल्स हैं उस बॉल से हमारी टॉप स्लैब या फिर बॉटम स्लैब किस तरह से कनेक्ट करेंगे। हॉन्च किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉन्च हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका पंचिंग फेलियर ना हो, क्लियर। क्योंकि स्लैब के कंपेरिजन में आपका जो बॉल है उसका एरिया बहुत कम होता है, क्लियर। इस तरह से कुछ चीजें हो रही होती हैं, आप ये देखेंगे इस तरह से हमारा स्लैब आ रहा होता है और इस तरह से आपकी ये बॉल आती है, इस तरह से ये आपकी बॉल आती है और इस तरह से स्लैब आता है, स्लैब का एरिया बहुत ज्यादा है, जैसे हैवी लोड आएगा ना तो इस तरह से ये आपका पंच फेल हो जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से ये आपका स्लैब है, आप ये देखेंगे भले ही आपका ये टॉप स्लैब हो या फिर आपका बॉटम स्लैब हो, इस तरह से आपकी स्लैब रहती है, क्लियर। और ये नीचे आपकी इस तरह से बॉल आती है, जैसे ही आपका हैवी लोड आएगा ना तो ये इस तरह से ये पंच डाउन कर जाएगा, ये इस तरह से, क्लियर, ये इस तरह से आपका पंच डाउन कर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉन्च प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। और ये नीचे आपको जॉइंट्स दे रखे हैं क्योंकि एक बार में आपकी पूरी कास्टिंग नहीं होती है, जो आपकी बॉल्स हैं वो आपकी टॉप स्लैब या फिर बॉटम स्लैब से किस तरह से कनेक्ट करेंगी, तो उसका ये कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। ये आपको कनेक्शन का डिटेल दे रखा है, तो इस तरह से आप बॉल बनाए, इस तरह से आप अपनी बॉल का कंस्ट्रक्शन करें ताकि यहाँ पे ये कि 100 mm का गैप बने। ये देखेंगे ये आपका बॉल बनेगा इस तरह से, और इसमें जो आपकी ऊपर से स्लैब आएगी वो इस तरह से फिक्स हो जाएगी, क्लियर। ऊपर से जो स्लैब आएगी इस तरह से ये आपकी फिक्स हो जाएगी, क्लियर, इस तरह से आपकी स्लैब फिक्स हो रही होगी। ये इस तरह से आपकी ये बॉल कंटिन्यू करेगी और यहाँ पे आपकी ये स्लैब आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, की है जो कि आपको एक मजबूत जॉइंट प्रोवाइड करेगा, जो कि कितना दे रखा है, ये आपको 100 mm का दे रखा है, ये देखिए ये आपको 100 mm का दे रखा है, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे ये आपको ये 100 mm का ये आपको इस तरह से ये की प्रोवाइड किया गया है, और उसके ऊपर 100 mm से आपका ये हॉन्च स्टार्ट होगा। ये देखेंगे ये 100 mm ऊपर से आपका ये हॉन्च स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो उसके नीचे आपका ये जॉइंट आएगा जो कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे बनाना है, एस्टिमेशन में इतना इशू नहीं है, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो उस समय का ये इशू है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनेगा जो आपकी बॉल्स हैं स्लैब से किस तरह से कनेक्ट करेंगे, आप ये 100 mm का इस तरह से की बनेगा ये, क्लियर, ताकि आपका प्रॉपर जॉइंट हो
आपकी स्लैब और वॉल्स में, और उसके 100 mm ऊपर से आपका क्या होगा, ये आपके हॉर्न स्टार्ट होंगे इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से कुछ आपको डिटेल दे रखा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका फोर्थ डिटेल दे रखा है वो आपको किस तरह से दे रखा है। ये आपको फोर्थ डिटेल दे रखा है, ये देखिए, ये डिटेल किस लिए है आपको, जो आपका बॉटम स्लैब है और जो आपका मिड वॉल है उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, ये देखिए, ये आपकी बॉटम स्लैब आ रही है और ये क्या है आपका मिड वॉल्स है, तो उसमें हम इस तरह से हॉर्न प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे इस तरह से हॉर्न जा रहे होंगे। हॉर्न कितने का आएगा, हॉर्न आपको दिया हुआ है 600 mm by 300 mm का आपका हॉर्न आएगा, हॉर्न कितना है 600 by 300 mm का, इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है ये कितना होगा, ये आपका 600 mm होगा और ये आपको 300 mm आएगा, ये भी आपका 300 mm आएगा और ये आपको 600 mm आएगा। और ये कितना रहेगा 300 mm रहेगा, ये सब आपको दे रखा है। यहाँ पे भी देखेंगे आपको ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट का डिटेल दे रखा है कि जो आपका बॉल है वो स्लैब से किस तरह से कनेक्ट होगा, ये देखेंगे, ये आपका बॉल आ रहा है इस तरह से, ये देखेंगे ये आपका बॉल आ रहा है, तो इसका ये कनेक्शन होगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से कनेक्ट कर जाएगा, ये देखेंगे, जो आपका बॉल है उसका स्लैब के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा वो आपको ये दे रखा है, तो ये आपका 100 mm इस तरह से इंसर्ट करेगा, जो आपको ये दे रखा है वो कितना है, ये आपका 100 mm, इस तरह से ये आपको 100 mm दे रखा है, ये देखिए, और इसके 100 mm बाद आपका क्या होगा, इस तरह से हॉर्न स्टार्ट होगा, जो कि ऊपर भी आपको डिटेल दिया हुआ था। क्लियर? एक बार में पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। क्लियर? पहले आपका ये बॉटम स्लैब कास्ट होता है, उसके बाद आपका इस तरह से उसी के साथ बॉटम स्लैब के साथ ही आपका ये हॉन्च और ये इतना अरेंजमेंट आपका कास्ट हो जाएगा। क्लियर? जो आप ये डिटेल देख पा रहे हैं इतना, ये देखेंगे, जो आपको इतना डिटेल देख पा रहे हैं आप, ये सब आपका एक बार में कास्ट हो जाता है साइड पे, उसके बाद ये ऊपर वाली चीजें कास्ट हो रही होती है, तो वहां पे कास्टिंग के लिए इस तरह से जॉइंट छोड़ा जाता है ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग हो सके। तो ये हमने सभी हॉर्न का डिटेल एनालिसिस कर लिया है। क्लियर? इसमें हमारे कितने हॉर्न आएंगे, सभी हॉर्न का हमने एक प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपको ये समझ में आया कि इसमें कितने हॉर्न होंगे, आप ये देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसमें टोटल कितने हॉर्न होंगे। क्लियर? सब मिला के आप चाहें तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने हॉर्न होंगे। ये देखेंगे, ये आपका पहला हॉर्न आएगा, ये आपका दूसरा हॉर्न है, ये आपका तीसरा हॉर्न है, ये आपका चौथा है। मींस आपके एक सेल में 4 हॉर्न आएंगे जो कि थ्रू आउट ब्रिथ ऑफ स्ट्रक्चर जा रहे होंगे। फिर ये दूसरा सेल है तो इसमें भी आपके 4 आएंगे। ये देखेंगे आप, और जो तीसरा सेल है उसमें भी आपके 4 हॉर्न आएंगे। इस तरह से तो टोटल कितने हॉर्न्स हो गए आपके, 12 हॉर्न्स हो गए, 4, 4, 8, 4, 12, टोटल आपके 12 हॉर्न्स हो गए। आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हुआ हो। क्लियर? तो इंजीनियर्स, आज के सेशन में हमने देखा कि जो ब्रिज की ड्राइंग्स होती हैं उसमें हॉर्न्स की डिटेल को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।